हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल सर्वेश लैब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है। मगर उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। बिना मोबाइल खाना नहीं खाया जाता है। और कुछ दिन पहले कुछ यहाँ पे देखिए आप बर्थडे मनाया था श्रेया का, तो बैलून अभी तक लटक रहे हैं। कुछ हैं जो अभी तक यहाँ पे हैं और वो आप देख रहे हैं वो सूख चुके हैं, वो एकदम ख़त्म होने के वाले हैं। सो आइए आज सीखते हैं हम सब मिलकर कि कैसे हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज, photoscissors.com ये वेबसाइट है जहाँ पे आप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। सो आप देख पा रहे हैं ये जो वेबसाइट है, इसमें आप अपलोड करेंगे इमेज को। इसमें दिखाया भी है मैक्सिमम साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जैसे कि मैं दिखाया आपको, अपलोड कर ली मैंने डेस्कटॉप से, और ऑटोमेटिकली ये देखेंगे आप अपलोड हो रही है, इसका बैकग्राउंड अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, बिना कोई मेहनत के, बिना किसी हार्डवर्क के इमेज हट गया है। ये जो है बहुत बड़े US का है, ये बंदा 19-20 साल का है, ज़्यादा एज नहीं है इसकी। और ये जो है 9 यूट्यूब चैनल रन करते हैं अपने, 9 यूट्यूब चैनल, जिसमें एक पर्सनल ब्रांडिंग का है, बाकी कैश काउ चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं रिमूव भी कर रहा हूँ, कुछ रह गया था बचा कुचा। तो इससे अलावा आप भी कर सकते हैं, ऊपर इन्होंने नेविगेशन टूल दे रखे हैं, रिमूव इरेजर वगैरह कैसे इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ कई लोग मैंने देखे हैं एक एक घंटे तक रिमूव करते रहता है बैकग्राउंड के, उसमें दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो इस तरह से मैं आपकी मेहनत मदद कर सकता हूँ टाइम बचाने में। तो आप देख पा रहे हैं कितना टाइम बच जाता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस अपलोड किया और डाउनलोड कर लिया। इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को। कोई ज़रूरत नहीं है पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाने की, पीछे स्क्रीन कुछ भी हो आपका क्लियर होगा ही होगा बैकग्राउंड, बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है। और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे इमेज को, रिजोल्यूशन भी अच्छा आता है डाउनलोड करने के बाद। थोड़ा टाइम लग रहा है इसे अपलोड डाउनलोडिंग में, ज़्यादा हैवी साइज़ भी नहीं होता इसके इमेज का, ठीक है। दोस्तों इतना काफ़ी है आज के लिए, इसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, राइट। याद रखें हमें डेली 1% इम्प्रूव करना है अपने आप को, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तभी आपकी स्किल्स आगे बढ़ेगी और इनकम भी आगे बढ़ेगी। सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस व्लॉग चैनल को, जिसमें आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको क्या सीखने को मिला नया यहाँ पे और आगे क्या सीखना चाहते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। और हाँ, मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, बिकॉज़ वहाँ पे मैं अपनी डेली कुछ ना कुछ स्टोरीज अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ से भी मैं कई वैल्यू देता हूँ। गाइज, RVL फॉर्मूला बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ। कई बार मैं भी उसे फॉलो नहीं कर पाता हूँ, दैट इज़ माई मिस्टेक। RVL फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कभी खुल के ज़रूर बताऊँगा। हर इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं उसे, और अगर आपको क्लैरिटी में जानना है, क्लियर करना है कि वट इज़ RVL फॉर्मूला, जस्ट कमेंट मी बिलो। कि अगर आप YouTube में फ़तेह हासिल करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, इनका कोर्स मैं आपको रेफ़र कर दूँगा। बहुत अच्छा कोर्स बनाया इन्होंने YouTube के ऊपर कि कैसे आप 9-20 YouTube चैनल रन कर सकते हैं लाइक टी सीरीज। नाउ बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो गाइस, आपको भी जान के हैरानी होगी कि टी सीरीज़ के करीब 26 यूट्यूब चैनल हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में म्यूज़िक चैनल। आप भी ऐसा बना सकते हैं, जस्ट DM मी। सो यूट्यूब चैनल
कोर्स को सीखने के लिए आप भी मुझे DM या मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट।